मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एस फॉलो। नाउ सी, जैसे चिल्ड्रन हमने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड है वो एंशियंट टाइम में यूज होती थी। अभी दो मेन मॉडर्न इरिगेशन मेथड है जो पानी भी कम यूज़ करती है और इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली भी हमको ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो दैट आर टू टाइप्स, दैट इज़ वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द अदर इज ड्रिप सिस्टम। नाउ दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। मतलब ऐसे लैंड में ये यूज़ होता है जहाँ पे पानी प्रॉपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, मतलब जित फील्ड में जितना चाहिए उतना पानी नहीं मिल सकता, तो जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है तो ये सिस्टम से पानी हर एक जगह पहुँच सकता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। मतलब इसमें कैसा होता है कि ये ऐसे, ये जो नोजल्स, इसको नोजल्स बोलते हैं, मेन पाइप है ना यहाँ पे कनेक्टेड होती है, यहाँ से मेन पाइप में से वाटर सप्लाई हर एक नोजल में होता है। मतलब वो स्प्रिंकल करता है, ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करके स्प्रिंकल करता है। यू कैन सी इन दिस माई रेफरेंस बुक, सी। दिस इज अ नोजल, ये ऐसे स्प्रिंकल होता है फील्ड में। नाउ व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर वर्क एज फाउंटेन जैसा होता है ना। लॉन्ग परपेंडिकुलर पाइप्स हैव होल्स एट रेगुलर डिस्टेंस। रेगुलर डिस्टेंस मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होता है, जैसे इसमें बताया है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, रेगुलर डिस्टेंस पे होता है स्प्रिंकलर। ओके, व्हेन वाटर इज सप्लाइड इट कम्स आउट ऑफ द होल्स एंड स्प्रे वाटर इन फील्ड। दीज होल्स हैव रोटेटिंग नोजल्स विच स्प्रिंकल वाटर इन ऑल डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में वो स्प्रिंकल करता है। दे कंट्रोल वेस्टेज ऑफ वाटर, इससे पानी का वेस्टेज कम होता है। अनदर सिस्टम इज ड्रिप सिस्टम, ये फार्मर्स को ज़्यादा यूजफुल रहता है क्योंकि उसमें पानी बहुत ही कम ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज होता है, इकोनॉमिकली भी अच्छा रहता है फार्मर को और हर एक पार्ट ऑफ द क्रॉप वाटर मिलता है ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप। नाउ इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स में ही पड़ता है, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज बून। बून मतलब आशीर्वाद बोलते हैं। इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, मतलब जहाँ कम पानी होता है यहाँ वहाँ ये मेथड बहुत ही यूजफुल है। सी, यू कैन सी इन माई रेफरेंस बुक, ये ड्रिप सिस्टम है। हर एक रो में पाइपलाइन है, हर एक रो में यू कैन सी हियर पाइप्स, ये पाइपलाइन होती है ना, उसमें होल्स होते हैं तो उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है। सी, यू कैन सी। नाउ दिस सिस्टम इज यूज्ड टू सेव वाटर एज इट अलाउज द वाटर टू फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स, डायरेक्टली रूट्स में ही पानी गिरता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल।